सो जब भी कोई मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बारे में सोचता है और वो उसके बारे में रिसर्च करता है, तो उसके सामने एक वर्ड आता है विच इज स्पॉन्सरशिप। और ये वर्ड काफ़ी सारे डाउट्स जनरेट करता है एक एस्पिरेंट के दिमाग में, और क्लियर आइडिया ना होने की वजह से वो इस टर्म को ढंग से समझ नहीं पाता। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, और ये वीडियो होने वाली है अबाउट स्पॉन्सरशिप। तो क्या है ये स्पॉन्सरशिप, क्यों ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, और आप कैसे स्पॉन्सरशिप अवेल कर सकते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं नेवल निखिल। सो सीधी सीधी बात करें तो मर्चेंट नेवी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दैट इज जॉब। आप कोर्स कहीं से भी कर सकते हैं, बट इन दी एंड जब आप कोर्स ख़त्म कर लेते हैं तो आपके पास जॉब होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आजकल के टाइम पे जॉब मिलना इन दिस फील्ड इज़ गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज काफ़ी सारे लोग आज के टाइम पे मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं। सो अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, तो आपके लिए स्पॉन्सरशिप के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वट इज़ स्पॉन्सरशिप? सो आपका प्रीसी ट्रेनिंग से पहले अगर कोई भी कंपनी आपको जॉब की गारंटी देती है, देन इट इज़ नोन एज स्पॉन्सरशिप। जिसका मतलब यह है कि आपका कोर्स शुरू होने से पहले ही आपके पास जॉब होगी। और इस जॉब की क्राइटेरियाज हर कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जिसमें सबसे मेन क्राइटेरिया है कि आपका PCM इन योर 10+2 इज मैंडेटरी। और PCM में भी आपकी 60% मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपको एम करना है कि आप 60% से ज़्यादा ही स्कोर करें अपने 10+2 में। सो मोटा मोटा देखा जाए तो कोई भी कंपनी आपको कोर्स शुरू होने से पहले आपको जॉब की गारंटी देती है, आपके कोर्स ख़त्म होने के बाद, तो उसको कहते हैं हम स्पॉन्सरशिप। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप का मर्चेंट नेवी में और कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट आता है कि स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि कंपनी आपके एजुकेशन पे जितना भी आपका खर्चा हुआ है, जितने भी आपका एक्सपेंस है, वो सब उठाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब देने की गारंटी देती है, उसके अलावा वो कोई भी आपका एक्सपेंस नहीं उठाती। अब चाहे वो आपके बुक से रिलेटेड हो या फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे खर्चे आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे। अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है तो इट मीन्स कि वो कंपनी आपको सिर्फ आपकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको जॉब देगी। सो अब बात करते हैं कि स्पॉन्सरशिप के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं कोर्सेज को डिवाइड करना चाहूँगा दो पार्ट में। पहला पार्ट है आपका 10+2, जिसमें कोर्सेज आते हैं जैसे कि आपका DNS एंड मरीन इंजीनियरिंग। और दूसरा पार्ट है आपका आफ्टर योर BTech, जिसमें कोर्सेज आते हैं जैसे कि GME एंड ETO। सो पहले बात करते हैं 10+2 की। अगर आपको कोर्स करने हैं जैसे कि DNS और मरीन इंजीनियरिंग, इस केस में आपको सबसे पहले आपको कंपनीज की वेबसाइट पर जाके उनके स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कंपनीज के पास जाके उनसे अपने स्पॉन्सरशिप की बात करके वहीं पे ही अपने स्पॉन्सरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपके स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स में उनको डिटेल सही लगी या फिर आप उनको एलिजिबल लगे, तो वो आपको बुलाएंगे आगे इंटरव्यू के लिए। और बाकी सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अगर आप उनको सुटेबल रखते हैं तो ही वो आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपके कोर्स शुरू होने से पहले ही आपको स्पॉन्सरशिप की गारंटी देती हैं, जिसमें आती है हमारी एंग्लो ईस्टर्न, मर्स्क, MSC एंड ग्रेट ईस्टर्न। ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कंपनी के वेबसाइट पर जाके स्पॉन्सरशिप फॉर्म फिल करने हैं। अगर आप उनको सुइटेबल लगे तो आपको वो आगे प्रोसीडिंग्स के लिए बुलाएंगे। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आप दे सकते हैं अपना IMU CET एग्ज़ाम। उसमें अच्छी रैंक लाने के बाद आप चूज करते हैं कोई भी एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट जहां से आप अपना प्रीसी ट्रेनिंग करेंगे। अब IMU CET यहां पे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि IMU CET आपको एक अच्छा कॉलेज दिलाएगा और अच्छी एजुकेशन दिलाएगा। सो उसके बाद आप चूज करते हैं अपना कॉलेज, और कॉलेज पे अपना कोर्स पूरा करने के बाद आपके पास जॉब होगी और यू विल बी सेलिंग एज एन ऑफिसर। सो अब बात करते हैं आफ्टर योर BTech। इसमें आते हैं दो कोर्सेज विच इज GME एंड ETO। और इनके लिए खुशी की बात ये है कि इनको IMU CET एग्ज़ाम नहीं देना होता, इनको डायरेक्टली कंपनी के पास जाके अपने स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। और स्पॉन्सरशिप लेने के बाद उनको सीधा इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना होता है और अपनी प्रीसी ट्रेनिंग शुरू करनी होती है। और प्रीसी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद दे हैव देयर जॉब्स। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिनका टाई अप होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, जैसे कि IMI और AMET ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका टाई अप है मर्स के साथ, जो कि रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट कराते हैं बिफोर देयर प्रीसी ट्रेनिंग, और वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए इन मर्स्क। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आती है, तो आपका प्रीसी ट्रेनिंग करने से पहले ही आपके पास जॉब होगी। अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पा रही और आप सोच रहे हैं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो डोंट वरी, आप थोड़ी मेहनत और करिए,
किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना प्रीसी ट्रेनिंग करिए। और क्या होता है, जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर ड्यूरिंग योर प्रीसी ट्रेनिंग बहुत सारी कंपनीज आके प्लेसमेंट कंडक्ट कराती हैं, तो वहाँ से भी आपका चांसेस है आपको जॉब मिल जाए, बट वो स्पॉन्सरशिप नहीं होगी, वो आपकी प्लेसमेंट होगी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेसमेंट एंड स्पॉन्सरशिप, कि स्पॉन्सरशिप आपको प्रीसी ट्रेनिंग से पहले मिलती है और प्लेसमेंट आपकी होती है विद इन योर प्रीसी ट्रेनिंग टेन्योर और प्रीसी ट्रेनिंग के बाद। सो अब बात करते हैं कि स्पॉन्सरशिप एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है। अब जब भी आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो दिस मीन्स कि आपने कभी शिप पे पैर नहीं रखा और आपको शिप के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो ये सब कंपनीज को पहले से ही पता होता है, तो वो जो भी अपना क्वेश्चनेयर और जो भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको शिप रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो सबसे पहले होता है CBT, विच इज़ योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें कि आपसे सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट योर प्रीवियस एजुकेशन, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। अगर आप ये CBT क्लियर करते हैं देन यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, और इंटरव्यू में भी आपसे रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आपने BTech करी है तो आपसे BTech से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस टेक्निकल पूछ लेंगे, और अगर आपने 10+2 करी है तो आपसे बेसिक क्वेश्चंस अबाउट मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री पूछ लेंगे। मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए होते हैं, और थोड़ा बहुत आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे अबाउट करंट अफेयर्स, अबाउट योर टेक्निकल नॉलेज, और थोड़े बहुत HR रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे व्हाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाट आर योर हॉबीज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इंटरव्यू में बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, सो बी कॉन्फिडेंट एंड गिव योर बेस्ट इन द इंटरव्यू। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो अबाउट स्पॉन्सरशिप, और स्पॉन्सरशिप को लेकर काफ़ी सारे डाउट थे जो कि आई हैव ट्राइड कि मैंने इस वीडियो में क्लियर करे हूँ। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो फील फ्री टू आस्क मी इन द इंस्टाग्राम, और कमेंट बॉक्स आपका ही है, तो कुछ भी लिखिए और कुछ भी आप क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।